हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल के दही बड़े, जो कि हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल से, और इसमें हम किसी भी सोडे वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो दाल है वो मैंने गला दी थी 4 से 5 घंटे पहले, और अब हम इसे मिक्सर में डालकर पीसेंगे। तो मैंने पानी पूरा दाल का निकाल दिया है और अब हम इसे पीसेंगे। इसमें मैंने खाली मूंग की ही दाल ली है, और इसमें आज हम कोई सोडा या इनो वगैरह किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे, अच्छा बारीक पेस्ट एकदम। तो आप लोग देख सकते हैं इसका एकदम स्मूथ और कितना अच्छा पेस्ट बना है, और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। अगर आप लोगों को लगता है कि इसको पीसने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 1-2 चम्मच पानी का यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ज़ीरा। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। इसे हमको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, क्योंकि हम इसमें सोडा वगैरह का किसी का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोडा वगैरह का यूज़ करते हैं तो आपको इसे ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है, पर आज हम किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम 10 मिनट तक फेंटेंगे, और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अगर हम इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटेंगे तो जो हमारे वड़े हैं वो एकदम फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे। इसे हमने फेंट कर रख लिया है, अब हम कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं। तेल को हमको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम पे ही हमें वड़े उतारना है। अगर हम तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो जो हमारे वड़े हैं वो ऊपर से पूरे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैं यहाँ पर छोटे छोटे वड़े उतार रही हूँ। आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए वड़े का, आप उतने बड़े बना सकते हैं। अगर हम इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा रखते हैं तो फिर जो बच्चे वगैरह होते हैं वो इसे वेस्ट करते हैं, इसीलिए मैं इसे छोटा छोटा ही बना रही हूँ। हमें इसे एकदम मध्यम आंच पर ही सेकना है। आप लोग देख सकते हैं ये बड़े ऊपर से कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये अंदर से भी उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और एकदम जालीदार बने हैं। इसी तरह हम सारे बड़े बनाए। अब यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी लिया था, उसमें हमने थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा नमक डालकर पानी को गर्म कर लिया, और मैंने उसमें सारे ही बड़े डाल दिए जिससे कि बड़े सॉफ़्ट हो जाएं। अब मैंने पानी से सारे बड़ों को निकाल कर थोड़ा सा अपनी हथेलियों से दबाकर उसके 1 के 2 टुकड़े करके अब मैंने इसमें प्लेट में रखे हैं। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो इस पर मैंने डाला है मीठा दही, अब मैं डालूँगी इस पर भुना जीरा पाउडर। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप इस पे नमक मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो डालें, अदरवाइज़ आप भुना जीरा पाउडर, जीरावन और मीठी चटनी डालकर सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।